सदस्य हैं और आज विधानसभा में सबसे सीनियर 10 बार के विधायक हैं, सबसे इतना कोई भी नहीं। और इसके साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो इस समय विधानसभा में आज हम सबसे आज हम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है, ये दुर्भाग्य है। रविदास रविदास मेहरोत्रा आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसी खबर आ गई है। अभी हमें अरे जी बात हुई तो देखिए, अभी हमें दिख नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी मदद कर नहीं पा रही, करना चाहिए था। तो अब तो हम तो यहाँ के बाद जाने के बाद, वैसे तो नेताजी की अगुवाई समाजवादी पार्टी लोकसभा में भी मनोचा हाँ ठीक है रखना चाहिए, और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री जरूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री बहुत नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आज हम भाई की मदद नहीं हो पा रही, इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे मुकदमे, अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है, केवल 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, बात आपकी हुई, आपके साथ जा रहे हैं। अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई सवाल है? बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने जी, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। शिवपाल जी, आजम खान जी जो है 26 महीने से अधिक से समय से सीतापुर जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए उस तरह से उनका संघर्ष नहीं दिख रहा है, मिलने भी नहीं। आज आप दूसरी बार मिलने आए हुए हैं, अखिलेश जी खाली मात्र एक बार आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर इसका सियासी माने कुछ देखा? देखिए वही मैंने अभी कहा, आजम भाई के तरह से समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है, इसी की पहचान थी समाजवादी। सर कहने के सपा आंदोलन संघर्ष यही तो समाजवादी की पहचान थी। आपके साथ जा रहे हैं आजम साहब या अखिलेश यादव के साथ? ये तो समय बताएगा, समय के इंतजार कर, समय बताएगा, और जब उचित समय होगा तब सब बातें आपके सामने आ जाएंगी, सब बातें आपको बता दी जाएंगी। एक महंत भी अंदर बंद है, बजरंग मुनि, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया था मुस्लिम महिलाओं के लिए, अब मुझे पता नहीं। थैंक यू।